डियर स्टूडेंट्स, आज इंटीटेस्ट का हम 14 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस 14 लेक्चर्स के अंदर हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम MOTB कहते हैं और आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हवाले से कुछ जो MCQs जो इंटीटेस्ट में या एप्टीट्यूड टेस्ट में आ सकते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें से जो पहला MCQs हमारे पास है वो क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ O2+1, 1, 3, 5, 7। यानी कि अगर ऑक्सीजन की आप MOT डायग्राम ड्रा करेंगे तो उसमें एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे काउंट करना है। देखिए, सबसे पहले हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ड्रा करनी है, फिर इसकी MOT डायग्राम भी ड्रा करनी है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के अंदर जो है आप सबसे पहले इसको मैं इस साइड पे ड्रा कर रहा हूँ। ऑक्सीजन हमारे पास है, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है कितना होता है, 8 होता है। तो 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, 2p4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। लेकिन इस वक्त ऑक्सीजन के ऊपर +1 भी मौजूद है, इसका मतलब है कि जो दूसरा ऑक्सीजन होगा उसका एटॉमिक नंबर तो 8 है लेकिन +1 आने की वजह से उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p3 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाती है। अब हम इसकी MOT डायग्राम ड्रा करते हैं। देखिए, MOT डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है तो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसकी वीडियो भी अपलोड मैंने की हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो ही बनते हैं। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे 1s2 और 1s2, ये इस ऑक्सीजन का एक इस ऑक्सीजन का, इसी तरह 2s2 और 2s2 ये भी ओवरलैप करेंगे, 2p4 और 2p3 भी आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके कितने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो स्टार्ट ले रहे हैं तो वो किस तरीके से ले रहे हैं, वो यहां से ले रहे हैं। यहाँ पर इसकी मैं पहली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि पहला ऑर्बिटल जो होगा ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 1s2 है, ये भी 1s2 है। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे। एक की एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और एक की एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। आप इनको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास जो मौजूद है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और जो ये मौजूद है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो हैं, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके बाद में फिलिंग करते हैं, पहले दूसरे को बना ले। अब 2s2 और 2s2 का भी इसी तरह बनाएंगे तो 2s2 उसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसलिए उसको मैं थोड़ा इससे ऊपर की तरफ बना रहा हूं। ये देखें, ये मैंने इसके ऑर्बिटल्स भी यहां पे बना दिए। ये 2s2 है और ये भी क्या है, 2s2। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके बाद पी की हम बनाएंगे तो पी के ऑर्बिटल जो है वो यहां पे मैं बना देता हूं। पी के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, 1, 2 एंड 3। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो px है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसकी एनर्जी जो है py और pz के मुकाबले में कम होती है, इसलिए हम उसको नीचे बनाते हैं। यानी कि ये px हो गया, py और pz की एनर्जी बराबर होती है, सेम होती है, लेकिन ऊपर आपके पास जो है इसकी शिफ्टिंग कुछ यू हो जाती है। ये हमारे पास हो गया। अब इनको हम कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं ताकि पता चले कि इन ऑर्बिटल का ताल्लुक, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ताल्लुक किस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ है। तो एक ऑक्सीजन हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल ये 2p4 है और ये 2p3 है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 एंड 4, और इसमें 3 है, 1, 2 एंड 3, ये 3 हो गया हमारे पास। अब इसमें अगर आप ये देखें कि टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको आप लोअर एनर्जी लेवल से इसे फिल करना शुरू करेंगे। ये फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों के दोनों जो है मॉलिक्यूलर हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं,
और ये दोनों के दोनों क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में वो आप काउंट कर लें, फिर यहां से नीचे से उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ फिल करना शुरू करें। देखिए इस साइड पर 8 इलेक्ट्रॉन है और इस साइड पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए 15। तो यहां से लोअर एनर्जी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि पहले लोअर एनर्जी वाला फिल होगा फिर ऊपर वाला फिल होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें 15 में से, दो इसमें आ गए, दो इसमें आ गए 4, दो इसमें आ गए 6, दो इसमें आ गए 8 हो गए आपके पास, और दो यहां पर आ गए 10 हो गए। पहले एक एक फिल करेंगे 10 11, ये हो गया 12, ये 13 और ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। कितने बच गए, एक इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इस जगह पर आ जाएगा। तो ये वाले जो है इसको हम कहते हैं ये पी वाई है और ये वाला पी जेड है, जबकि ये क्या है पी एक्स है। तो ये हमारे पास पी एक्स जो है वो सिग्मा है और बाकी ये पाई वाले हैं, और ऊपर वालों को हम सिग्मा स्टार कहते हैं, ये सिग्मा स्टार है और बल्कि ये पाई स्टार है पहले वाले, ये पाई स्टार है जबकि ये हमारे पास क्या है सिग्मा स्टार मौजूद है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन हमने काउंट करने थे असल में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने एंटी बॉन्डिंग में मौजूद है, तो एंटी बॉन्डिंग वाले कौन कौन से हैं, तो एंटी बॉन्डिंग वाले एक तो ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है एंटी बॉन्डिंग वाले, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए एंटी बॉन्डिंग वाले 4, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया एंटी बॉन्डिंग वाला, ये कितने हो गए 5। तो इस एमसीक्यूज का जो ठीक आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है 5 आता है, यानी कि 5 जो है इसमें एंटी बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अगर आप इसको दोबारा देखें तो क्वेश्चन था कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए एंटी बॉन्डिंग के, दो ये हो गए एक ये हो गए, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसका ठीक ऑप्शन क्या आएगा 5 आएगा। इस तरह ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज की वीडियो का जो सेकंड एमसीक्यूज है वो भी एमओटी के हवाले से है, उसमें भी हम एमओटी डायग्राम्स के जरिए से इस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज क्या है, व्हिच वन इज पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू एमओटी डायग्राम, तो नाइट्रोजन हमारे पास है इस वक्त और ऑक्सीजन +2 है और फ्लोरीन है और नन का ऑप्शन है। डायग्राम इस दफा मैंने पहले से बना ली है, फर्स्ट एमसीक्यूज में मैंने इसको बनाया था, वहां से आप इसको दोबारा सीख भी सकते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया। तो अब यहां पर से हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए हमें यहां पर सर इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा, फिल करना होगा। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 है, 1s2 है, 2s2 है और इसी तरीके से 2p हमारे पास जो है वो 3 मौजूद है। अब इसके अगर आप इलेक्ट्रॉन देखें तो दूसरा नाइट्रोजन भी सेम इसी तरीके से ही होगा, तो जब दूसरा इसी तरीके से होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बनते हैं इसके, 7 इसके हैं, 7 दूसरे नाइट्रोजन के हैं, यानी कि सेकंड नाइट्रोजन के भी क्या हैं आपके पास वही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 7 और 7 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 14 हो गए तो यहां से फिल करना शुरू करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे। कितने हो चुके हैं अभी तक, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो 2 एक इसमें एक इसमें, यानी कि 2 हो गए, फिर दोबारा इसी को फिल अप करेंगे क्योंकि हमारे पास तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं यहाँ पर, 7 और 7 14 है। तो ये हुए थे आपके पास कितने हो गए अभी इस वक्त 12 तक हो चुके हैं मेरे ख्याल, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ जाएंगे, ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस वक्त 14 इलेक्ट्रॉन मैंने नाइट्रोजन के यहाँ पे पुट कर दिए हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है डाया मैग्नेटिक होता है। तो इस वक्त जो नाइट्रोजन हमारे पास है वो एक लिहाज से पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यूज की तरफ चलें तो वो O2 हमारे पास आ रहा है। अच्छा, O2 को जब हम डिस्कस करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर +2 भी है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो +2 की वजह से हम ये कह सकते हैं कि 1s2 है, ये 2s2 है और 2p यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं इनमें से, तो यहाँ पर आपके पास वैसे 4 आना चाहिए क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 जो है, लेकिन इस वक्त इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसके भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम नाइट्रोजन की तरह हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन इस वक्त अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, क्योंकि टोटल इसके 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 8 है, दूसरा भी 8 है, तो टोटल तो हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से लॉस हो गए तो कितने बच गए 14 इलेक्ट्रॉन बच गए। जब 14 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं तो फिर इसमें आपके पास बिल्कुल वही सेम टू सेम आपके पास
एक लिहाज से डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे जिस तरह नाइट्रोजन में थे, तो इसलिए ऑक्सीजन जो ओ टू प्लस है इसमें भी किसी किस्म का कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब आते हैं हम फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 9 है, 9 है तो 1s2, 2s2, 2p5 टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने 9 है। जब दो फ्लोरीन होंगे सेम टू सेम एक और भी फ्लोरीन होगा तो ये 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है 18। यहां तक हमने फिर कितने किए हुए हैं 14 किए हुए हैं क्योंकि नाइट्रोजन के मुताबिक इधर 14 हो चुका था, तो इसमें कितने हैं हमारे पास है 19 है। अच्छा इसमें थोड़ी सी तब्दीली है, वो तब्दीली क्या है कि इसका एस जो है वो नीचे आता है और ये वाले इसके ऊपर चले जाते हैं फ्लोरीन वाले केस में। और उस हवाले से भी मैं बेसिक जो इसके इंट्रोडक्शन बना चुका हूं उसमें इसकी रीजन भी मैं बता चुका हूं कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इसमें फ्लोरीन में और ऑक्सीजन में ये डायग्राम जो है वो चेंज हो जाती है, फ्लोरीन के मुताबिक डायग्राम में तब्दीली आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ये अभी 14 हो गया क्योंकि उसका पी एक्स की एनर्जी कम होती है, वो नीचे चला जाता है। 14 यहां पर हो गए, 15, 16, 17 और 18 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं यहां पर फिल हो चुके हैं। लेकिन क्या फ्लोरीन में भी F2 के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है आपको? कोई भी नजर नहीं आ रहा, सारे सारे पेड़ हैं। अगर पेड़ इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक होता है जबकि आंसर में हमसे क्या पूछा हुआ है पैरामैग्नेटिक, तो इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन ठीक होगा वो नन होगा, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो पैरामैग्नेटिक हो, सारे सारे क्या है डायमैग्नेटिक है। तो क्वेश्चन ये था कि पैरामैग्नेटिक कौन है, तो पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक डायग्राम ड्रा करते हैं तो उसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, इसलिए हम ये कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो डायमैग्नेटिक है, इनमें से कोई भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो नन ऑप्शन इसका ठीक होगा। इस तरीके से ये एमसीक्यूज भी कंप्लीट होता है। थर्ड एमसीक्यूज के अंदर हम एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर भी मालूम करते हैं, मतलब एमओटी डायग्राम के जरिए से बॉन्ड ऑर्डर भी मालूम किया जाता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास डिफरेंस होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के हाफ का जो डिफरेंस होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। मतलब बॉन्डिंग में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसमें से एंटी बॉन्डिंग को माइनस कर लें और उसको 2 पे डिवाइड कर लें तो उसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो उसी हवाले से यहां पर एमसीक्यूज है कि विच स्पीशीज हैव हाई बॉन्ड ऑर्डर, इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हाई है। देखें सारे ऑक्सीजन दिए हुए हैं तो एटॉमिक नंबर तो सबका 8 ही होगा, लेकिन किसी के ऊपर माइनस चार्ज है, किसी पे प्लस है, किसी पे माइनस 2 है, तो उस हवाले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आएगा। तो पहले हम सिंपल अगर ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2, 2s2, 2p4, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8, और क्योंकि ये न्यूट्रल है ऊपर वाला 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दो ऑक्सीजन जब होंगे तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें मौजूद होंगे। यहां से फिर करना शुरू करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो यहां पर इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 16 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हमारे पास होगा, यानी कि इस O2 का। अब इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं? हम लिखते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर को BO से भी शो करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं अगर मैं उसको यहां पर हाईलाइट करूं तो ये हमारे पास जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 6, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 10, यानी कि 10 हमारे पास यहां पर क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एंटी बॉन्डिंग भी हम चेक करते हैं कि एंटी बॉन्डिंग इसमें कितने हैं। एंटी बॉन्डिंग को अगर मैं बताऊं तो ये हमारे पास 1, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए एंटी बॉन्डिंग वाले, 2 ये हो गए, कितने हो गए 4, और 2 यहां पर हो गए, 4 और 2 कितने हो गए 6, यानी कि 6 हमारे पास इसमें क्या है एंटी बॉन्डिंग है, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना बचता है 4, 4 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 आंसर आता है, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमारे पास है 2। अब इसके बाद इस ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं, इसके ऊपर -1 है, -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें मौजूद है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां पे जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहां पे आएगा। अब आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग में ऐड हुआ है, बॉन्डिंग में ऐड नहीं हुआ, मतलब यहां पे इजाफा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का, 6 की बजाय कितने हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग 7 हो जाएंगे, 2 यहां पर थे तो ये 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, यानी कि 7 हमारे पास हो गए। 10 में से अगर आप 7 निकाल लें तो कितना बच जाएगा हमारे पास 3 बच जाएगा, 3 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर देते हैं
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना बन जाएगा, अगर 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1.5 होगा। अब आगे चलते हैं, प्लस 1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो हमने यहां पर ऐड किया था, किसकी वजह से ऐड किया था, माइनस 1 की वजह से। अब इस O2 के ऊपर प्लस 1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिटा देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन कम करना शुरू करेंगे, नीचे से नहीं, क्योंकि जो हायर एनर्जी लेवल है वहां से इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से तो यहां पर जो अभी एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 ये थे, 2 ये हो गए 4, 4 और 1 कितने हो गए 5, तो यहां पे 5 आंसर आ जाएगा। अब 5 और 10 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 ही बचेगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 5 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 2.5, यानी कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास होगा वो होगा 2.5। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर माइनस 2 है, माइनस 2 का मतलब ये है कि इसको दोबारा न्यूट्रॉन वाली शेप में लेकर आए, न्यूट्रॉन वाली शेप में ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। अब माइनस 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, यहीं पर आएंगे इधर, ठीक है ना। अब यहाँ पर अभी एंटी बॉन्डिंग को काउंट करें, क्योंकि बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा, जब भी इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, अगर बॉन्डिंग वाला कंप्लीटली फील्ड होगा, बॉन्डिंग वाले तो यहाँ पर कंप्लीटली फील्ड है, एंटी बॉन्डिंग वाला ही पोर्शन यहाँ पे खाली है, तो इलेक्ट्रॉन वहीं पर ही आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए 4, 4 और यहाँ पर 4, 8 हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो 10 में से अगर आप 8 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 2 आता है, 2 को अगर आप 2 के साथ डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि विच स्पीशीज हैव हाई बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे मैंने सबके कैलकुलेट किए, O2 का 2 आया और O2 माइनस का 1.5 आया, O2 प्लस का 2.5 आया और O2 माइनस 2 का 1 आ गया। तो एंटी बॉन्डिंग में से बॉन्डिंग को अगर हम माइनस करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आता है, तो जो ठीक ऑप्शन है वो हमारे पास 2.5 वाला है O2 का। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो लास्ट एमसीक्यूज है MOT का, और इसके अलावा इसकी एक और वीडियो भी जो है पार्ट 2 भी इसका मैं वो अपलोड कर दूंगा, तो जिसमें आपको MOT के मुख्तलिफ एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने के तरीके बताए जाएंगे। तो ये जो एमसीक्यूज इस वक्त है कि इन विच मॉलिक्यूल द एनर्जी ऑफ सिग्मा पी एक्स हैज हायर देन बोथ पाई पी वाई एंड पाई पी जेड, तो इन ऑर्बिटल्स के असल में नाम के पता चल जाए तब हम इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये एस वाला था क्योंकि ये 1s में आ रहा था, तो ये सिग्मा एस होगा और ये हमारे पास सिग्मा स्टार एस होगा और ये आपके पास 1 है, 1s, यानी कि 1s हमारे पास हो गया सिग्मा, 1s सिग्मा स्टार, और इसी तरह 2s सिग्मा और सिग्मा स्टार 2s हो गया। अब जो ये वाला ऑर्बिटल्स है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है पाई ऑर्बिटल्स है, पाई है पी वाई और ये भी पाई है, यानी कि पाई पी जेड हो गया हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फिर सिग्मा है, सिग्मा पी एक्स हो गया। अब यहां पर इस ऑर्बिटल्स का क्या नाम है, इसका नाम है पाई स्टार पी वाई और इसका नाम है पाई स्टार पी जेड और इसका नाम है सिग्मा स्टार पी एक्स। देखिए इस वक्त जो ये डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम 3 एलिमेंट्स को छोड़ के बनाई गई है, वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन, इन 3 के अलावा एक्सेप्ट बाकी सब एलिमेंट जितने पेरेटेबल में सबकी डायग्राम इसी तरह की आएगी सबकी। अब इन 3 का क्या होगा, इन 3 का ये रिवर्स हो जाएगा, खाली ये वाला पार्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। ये वाला पार्ट कैसे रिवर्स होगा, अगर आप इसको देखें, मैं यहां पे इसको बना रहा हूं, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएंगे, यानी कि इसमें सिग्मा पी एक्स नीचे होगा और जो हमारे पास पाई है पी वाई और जो पाई पी जेड है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसमें आपके पास, इसमें, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जब आप MOT डायग्राम ड्रा करेंगे तो उसमें आप इनको इस तरीके से चेंज कर देंगे, और इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में जहां पर MOT का इंट्रोडक्शन है। अब यहां पर से हमारे पास जो है ये बाकी एलिमेंट्स के लिए है, तो क्वेश्चन क्या है, इन विच मॉलिक्यूल्स द एनर्जी ऑफ द सिग्मा पी एक्स इज हायर देन द बोथ पाई पी वाई और पाई पी जेड, सिग्मा पी एक्स की एनर्जी कहां पे ज्यादा है, यहां पे ज्यादा या यहां पे ज्यादा, इन दोनों में से, तो
यहाँ पे ज्यादा एनर्जी, क्योंकि ये लोअर एनर्जी है, क्योंकि यहाँ से नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसा सा, यानी कि ये सबसे लोअर है, ये हायर हो गया, ये उससे हायर हो गया, ये उससे हायर हो गया, ये हायर हो गया, ये उससे ज्यादा हायर है, ये उससे हायर है, ये सबसे हायर है, एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो आपके पास स्टार वालों की होती है, जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि जो हमारे पास ये सिग्मा पी एक्स है, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा हो तो वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा? तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में, तो वो मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है, तो वहां पर तो पाई वालों की सिग्मा से ज्यादा एनर्जी होती है, यानी कि पाई पी वाई पी जेड की पाई जो है सिग्मा पी एक्स से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन वाले केस में इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसका जो ठीक ऑप्शन आएगा वो हमारे पास ये होगा, यानी कि नाइट्रोजन की एनर्जी जो है वो ज्यादा, यानी कि ये इसका ठीक ऑप्शन है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, इसकी एनर्जी इनसे ज्यादा किस मॉलिक्यूल में होगी? फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन में ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की डायग्राम बनी हुई है, इसमें सिग्मा पी एक्स की एनर्जी पी वाई और पी जेड से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर था एमसीक्यूज का एमओटी के ऊपर वो कंप्लीट होता है। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।